गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी विल अंडरस्टैंड मैथ चैप्टर फोर एक्सरसाइज 4.4. 4.4 में टू क्वेश्चंस हैं, आज हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी. तो आपको एक एबीसी ट्रायंगल बनाना है. मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट पी इन इट्स एक्सटीरियर. ठीक है, एक आपको पी पॉइंट जो है उसके इंटीरियर में बनाना है और एक क्यू पॉइंट जो उसके एक्सटीरियर में बनाने. इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. तो जो पॉइंट ए है क्या वो उसके एक्सटीरियर में आता है या इंटीरियर में, ये हमें बताना है. तो आंसर करेंगे, आंसर में सबसे पहले आप जो जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, इस तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे. फिर उसमें एक इंटीरियर में पी पॉइंट बनाएंगे जैसे इसमें बना हुआ है, उसी तरह एक एक्सटीरियर बाहर की तरफ क्यू पॉइंट बनाएंगे. उसके बाद हम ए पॉइंट देखेंगे. तो ए पॉइंट क्या है, इसके इंटीरियर में आता है या एक्सटीरियर में आता है. तो क्या आंसर लिखेंगे, ए इज नाइदर इंटीरियर ऑफ द फिगर और नॉर एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इट इज ए वर्टेक्स. यानी क्या है, ये तो ना तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर, ये कहाँ पे है, वर्टेक्स है ये. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, ए जो है इसके ऊपर आता है, तो ये क्या है, वर्टेक्स है. अब क्वेश्चन टू देखेंगे, ए आइडेंटिफाई थ्री ट्रायंगल इन द फिगर. तो आप सबसे पहले तो ये फिगर देखेंगे अच्छे से, इसको आपको ड्रॉ भी करना है. तो इसमें सबसे पहले आपको बताने हैं थ्री ट्रायंगल, कौन कौन से थ्री ट्रायंगल हम इसमें देख पा रहे हैं. वो है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी. तो तीनों ट्रायंगल के आपको इस तरह आंसर में नाम भी लिखने हैं. फिर है बी, राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स. तो इसके सेवन जो एंगल्स हैं आपको उन सेवन एंगल्स के नेम लिखने हैं. तो एंगल्स हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी, एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल बी ए सी. तो सेवन एंगल्स ये इसमें बन रहे हैं, ये सेवन एंगल्स के आपको नेम लिखने हैं. फिर है सी देखेंगे, राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट्स. तो इसके सिक्स लाइन सेगमेंट कौन सी हैं, सिक्स लाइन्स जो हैं इनमें वो लिखेंगे. तो लाइन सेगमेंट्स आर ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, डी सी और डी सी. तो ये क्या है, सिक्स लाइन्स हैं. आप इनको ऐसा नहीं है इनको सीक्वेंस में इसी तरह लिख रहे हैं, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, पर आपको ये इसकी पूरी सिक्स लाइंस लिखनी है. ठीक है, जो भी इसमें सिक्स लाइन सेगमेंट दिए हैं आपको लिखने पड़ेंगे. इस तरह एंगल्स भी आपको जो सेवन है, सेवन एंगल्स लिखने हैं आपको, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं. अब डी देखेंगे, विच टू ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन. तो इसमें जो हमें थ्री ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अब टू ट्रायंगल्स में कौन से टू ट्रायंगल्स में जो एंगल बी है कॉमन है. तो इसमें ट्रायंगल हैविंग कॉमन एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी देखो, एंगल ए बी सी कॉमन आ रहा है उसमें बी. अब एंगल सबसे पहले कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी और फिर ट्रायंगल ए बी डी. तो दो ट्रायंगल्स में जो बी है वो एंगल कॉमन आया है. वो दो ट्रायंगल आपको दिखे हुए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल के नाम लिखने हैं जिनमें एंगल बी कॉमन है. तो इस तरह आप ये अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे.